इस समय आप ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बता दें करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 50,000 वोटों से जीते हैं। जी हाँ, 50,000 वोटों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जीते हैं। हालांकि उनकी जीत का जश्न यहां पर नहीं अभी तक मनाया गया, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहां पर नहीं है। और मुख्यमंत्री तो 50,000 वोटों से बेशक जीते हैं, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं नहीं जीती है। पार्टी का कोई भी मंत्री नहीं जीता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं जीते, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नहीं जीते, जिसके चलते सेलिब्रेशन नहीं किया गया। और दूसरी बात अगर करें तो नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर 2200 वोटों से आजाद प्रत्याशी जो थे वो जीत गए हैं। और भगवान दास कबीरपंथी नीलोखेड़ी से जो विधायक थे वे हार चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर, इंद्री से राम कुमार कश्यप लगभग 7,000 वोटों से आगे चल रहे थे, लगभग जीते हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ राकेश कंबोज के समर्थक आप देख सकते हैं, जो इंद्री से आजाद प्रत्याशी हैं, उनके समर्थकों का कहना है कि गड़बड़ी की गई है। गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए राकेश कंबोज के समर्थक नजर आ रहे हैं काउंटिंग क्षेत्र के बाहर। तो ये आप देख सकते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे। इंद्री से राम कुमार कश्यप 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं लगभग जीते हुए हैं, तो गड़बड़ी के आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये काउंटिंग में मशीनों की गड़बड़ी हुई, सारी मशीन का चेंज करी, ये काउंटिंग में राकेश कामो जीत गया था जी, ये देर अफेर चली। आपके पोलिंग एजेंट भी अंदर है, अंदर एयर अफेर हो रही है अंदर, ये जो पोस्ट बढ़ाई गई एयर अफेर हुई सारी। 10वें राउंड के बाद कोई लिस्ट जारी नहीं की गई, 10वें राउंड तक लिस्टें जारी की गई है, उसके बाद एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई, तो ये एयर अफेर नहीं और क्या है। आपकी पार्टी के भी राकेश कंबोज जी के भी पोलिंग एजेंट अंदर थे, गड़बड़ी तो नहीं हुई कोई? गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हुई है, धक्काशाही है, सरकार ने धक्का किया है, सरकार की तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है, सरकार की तानाशाही, सरकार ने तानाशाही की है। इंद्री से राकेश कंबोज के समर्थक है, उनका कहना है कि गड़बड़ी हुई है। ये तस्वीरें समय आप देखते रहिए, तो ये तस्वीरें समय आपने देखी, क्या कुछ कहना चाहेंगे। हालांकि राकेश कंबोज को लोग कह रहे थे कि चुनाव जीतेंगे, लेकिन 7,000 वोटों से अभी तक जो है जो राम कुमार कश्यप है वो आगे चल रहे हैं। आपकी पार्टी के भी तो पोलिंग एजेंट अंदर थे, तो गड़बड़ी कैसी हुई? 187 वोटों से हम जीत चुके हैं, इन्होंने दोबारा से फिर घोषणा की, हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सबको न्यूज पे चली है, सारी चीजों पे चली है, ये सारी पब्लिक खड़ी है यहाँ पे, सारे काम हुए हैं, और इन्होंने दोबारा पे फिर कहा दोबारा से रिकाउंटिंग क्यों हुई है ये, और प्रशासन पूरे जोर लगा रहा है। पोलिंग एजेंट अंदर है, उनसे बात हुई आपकी? मेरी बात सुनो आप, है ना, बिल्कुल ये सारी की सारी खट्टर सरकार बिल्कुल की बिल्कुल वो कर रही है। मेरी बात सुनो, तनेसर से क्यों नहीं हुई है सारी की सारी, यहीं पे क्यों इतना लेट क्यों किया गया, ये इतना लेट क्यों किया? राकेश कंबोज के समर्थक है और सीधे तौर पर गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, जब ये जीते हुए थे। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इंद्री से राम कुमार कश्यप की जीत का जश्न जरूर हो रहा है, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जीत चुके हैं करनाल से 50,000 वोटों से, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जीत का जश्न नहीं हो रहा। इंद्री से राम कुमार कश्यप जो है तकरीबन 7,000 वोटों से जीते हैं, उनकी जीत का जश्न आप देख सकते हैं। वही दूसरी तरफ नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर 2200 वोटों से चुनाव जीते हैं, भगवान दास कबीरपंथी हार चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, इस तरह से समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि राम कुमार कश्यप जीते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि करीबन 7,000 वोटों से जीते हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप लाइव देख सकते हैं। हालांकि आप ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, हालांकि राकेश कंबोज के समर्थकों का कहना है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देखे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं राम कुमार कश्यप की जीत के जश्न के बाद भाजपा नेता है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी वोटों से जीते हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारे इंद्री विधानसभा के प्रभारी श्री राम कुमार कश्यप जी 7000 कुछ वोटों से जीत के आए हैं, मैं इंद्री विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे भी जो पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ मेरी जिम्मेवारी लगाई थी इंद्री विधानसभा को जिताने की, उसके लिए मेरे को भी इसके लिए बहुत ही सफलता हासिल हुई है। मैं तमाम इंद्री निवासियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतने वोटों से राम कुमार कश्यप जी को जितवा के भेजा, इतना प्यार दिया, और जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हैं उनके नेतृत्व में जो विकास का पहिया इंद्री विधानसभा में चल रहा था निरंतर ही ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। 75 बार का नारा लगा रहे थे मनोहर लाल खट्टर जीते हैं 50,000 वोटों से, आप जीते हैं, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं हारी है, सभी मंत्री आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, उसका किस बारे में कहना चाहेंगे? देखिए ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, वो जो भी पार्टी फैसला करेगी सर माथे पे है, कहीं ना कोई गलती हुई है, हमारे को भी लगता है, आने वाले समय में हम उसको सुधारेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जीत का जश्न क्यों नहीं मना रहे आप? मुख्यमंत्री जी का मनोहर लाल जी का कल करनाल में जश्न मनाया जाएगा। अच्छा, दूसरे पार्टी के उम्मीदवार जो थे वो आरोप लगा रहे हैं गड़बड़ी का। देखिए हारने वाला कोई ना कोई तो आरोप लगाता ही है, ये लोकतंत्र है, सभी के सामने चुनाव हुआ है, कल तक परसों तक हमारी 75 सीटें आ रही थी, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप किस तरह से जश्न मना रहे हैं इस जीत का? हम शांति आज भारतीय जनता पार्टी के इंद्री के उम्मीदवार श्री राम कुमार कश्यप जी काफी भारी मतों से जीत करके उन्होंने जीत को दर्ज कराया है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो श्री मनोहर लाल खट्टर जी की ईमानदारी और 370 धारा हटवाने में श्री राम कुमार कश्यप जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है इस चुनाव के लिए। राम कुमार कश्यप भले ही जीत गए हो लेकिन 75 पार नहीं हुए, 40 पार ही नहीं हुए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर हमारी सरकार ने जो काम किए हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उनकी नीतियां हैं, और यहाँ श्री राम कुमार कश्यप जी को जिताने में पूरे इंद्री हलका के कार्यकर्ता उनको श्रेय जाता है। भारत, आपको क्या लगता है ये जो जीत कही गई थी 75 पार की, लेकिन 75 पार तो नहीं हुए, 40 पार ही नहीं हुए, लेकिन आपकी इंद्री सीट से राम कुमार कश्यप ने? राम कुमार कश्यप जी एक ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, शरीफ आदमी है, और इसी कारण से इनकी जीत हुई है, और 36 बरादरी ने इनका साथ दिया है। करमदेव कंबोज जो यहाँ से पहले उम्मीदवार रह चुके हैं, मंत्री भी रहे, वो चुनाव हार गए, क्या लगता है आपको राम कुमार कश्यप की जीत हुई है? क्या कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे? यह कार्यकर्ता की जीत है, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के पूरी मेहनत की है दिन रात, और यह प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारा बहुत बढ़िया है, श्रीप आदमी है, साधारण व्यक्ति है, उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। धारा 370 के अंदर उसने अपना वोट हमारे को राज्यसभा के अंदर दी, उसी कारण से माननीय मोदी जी ने उनको यहाँ हमारे बीच में प्रत्याशी बनाकर के भेजा। 370 का जादू पूरे हरियाणा में क्यों नहीं चला? देखो 370 एक राष्ट्रीय मुद्दा है, वो एक अलग है, लेकिन जो हमारा स्टेट का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में किसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो जातिवाद को अपनी तरफ करने में कामयाब रही। हमारी जो पार्टी है सबका साथ सबका विकास की बात करती है, ये कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा, मेरा ये मानना है। तो पार्टी लगातार ये कह रही थी कि 75 पार करेंगे, लेकिन पार्टी 40 पर ही सिमट कर रह गई, 40 से भी कम सीटें बीजेपी को मिली हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 32 के आसपास सीटें मिली हैं। पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 3 सीटों पर करनाल में बीजेपी ने विजयी हासिल किया है, करनाल विधानसभा सीट से जहां मनोहर लाल खट्टर जीते हैं तकरीबन 44,000 वोटों से, लेकिन जीत का जश्न नहीं मनाया जा रहा। मनोहर लाल खट्टर भले ही जीते हों लेकिन उनकी जीत का जश्न यहां पर नहीं मनाया जा रहा, करनाल का कोई भी कार्यकर्ता यहां नहीं है। ये जश्न जो आप देख रहे थे ये इंद्री का जश्न था जहां पर राम कुमार कश्यप ने जीत हासिल की है, और अगर बात की जाए घरोंडा की तो हरविंदर कल्याण ने वहां से जीत हासिल की है। असंध में बीजेपी हारी है, साथ ही साथ नीलोखेड़ी में बीजेपी
हारी है। और राकेश कांबोज के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त भी किया गया है, क्योंकि राकेश कंबोज के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गड़बड़ी की है। आप देख सकते हैं कि ये राकेश कंबोज के वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं पर, कि ये यहाँ पर गड़बड़ी की गई है। क्योंकि जो चुनाव का नतीजा आया है वो तकरीबन 4:45 के आसपास आया है, ऐसे में इनकी ये शिकायत है कि ये इतनी क्यों की गई, इतनी लेट क्यों नहीं चलता है। आप लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो बैठ गए हैं और इनका आरोप है कि प्रशासन और जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से गड़बड़ी की गई है, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो इसको लेकर यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है। और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यहीं पर बीजेपी की इंद्री विधानसभा सीट की अगर बात करें, जहाँ से रामकुमार कश्यप बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, उनकी काउंटिंग यहां पर हो रही थी। राकेश कंबोज भी इंद्री से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहां पर जिस तरह से राकेश कंबोज के समर्थकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है, इनकी मांग है कि यहां पर जो ईवीएम मशीनें हैं उनकी काउंटिंग दोबारा होनी चाहिए। करनाल में जश्न नहीं मनाया गया क्योंकि करनाल से जो बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर थे उनकी जीत पर कोई जश्न नहीं मनाया गया। हरविंदर कल्याण की जीत का जश्न मनाया गया, राम कुमार कश्यप की जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन ये वो कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि ये प्रदर्शन उसी बात का हिस्सा है। आप देख सकते हैं आप तकरीबन 7,000 के आसपास मार्जिन रहा है राकेश कंबोज और रामकुमार कश्यप की जीत के बीच, क्योंकि रामकुमार कश्यप पहले से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। क्या आरोप आप लगा रहे हैं, क्या आपकी शिकायत है? अंदर मशीनों में हेराफेरी हुई है, अंदर दो बार काउंटिंग होगी, दोनों बार राकेश की जीत हुई, अब तीसरे इलाके काउंटर कर रहे कि 7,000 से पीछे है, क्या तू का 7,000 से पीछे का, दो बार जब डिक्लेयर करे इंद्री का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, सबकी मांग है, मेरी नीच सबकी मांग है इंद्री का इलेक्शन दोबारा करो भाई राकेश कंबोज। ये विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं, क्या 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 वजह है, किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए ये विरोध कर रहे हैं? ये सुबह से बार बार काउंटिंग की जा रही है, 3 बार काउंटिंग होने के बावजूद भी ऐसा क्या है जो अब तक काउंटिंग में को रोका गया? सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिजल्ट को क्यों रोक रखा है? ये इस वजह से जनता में आक्रोश आया सारे। जितने आपकी क्या मांग है, या तो दोबारा इलेक्शन हो या उसको, अगर उसमें कोई गड़बड़ी नजर आती है तो दोबारा इलेक्शन, जनता जो है वो दोबारा इलेक्शन की मांग कर रही है। लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रशासन से अपील करते हैं कि या तो दोबारा से चुनाव करवाया जाए या दोबारा से गिनती करवाई जाए, नहीं तो हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। आपको किस बात को लेकर लगता है कि गड़बड़ी हुई है? सुनो भाई, शुरू से लेकर तो भाई हमें अरे भाई सुन, हमें इस बात की गड़बड़ी लगती है। 10 लिस्टें जारी की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा, 10 लिस्ट जारी की गई है, जो राउंड थे 10 राउंड जारी किए गए लिस्टें, उसके बाद कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। उसके बाद डीसी साहब मौके पे आके और एसपी साहब मौके पे आके ये उसके बाद कोई जारी नहीं की गई और दबाव बढ़ा दिया गया, पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई। तो हम
7000 से राम कुमार कश्यप को डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि 160 से राकेश कंबोज को डिक्लेयर कर दिया गया था। बिल्कुल सरासर राकेश कंबोज को दो बार डिक्लेयर कर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं खट्टर भाई, हमारे हरियाणा में सड़कों पर लिखने के लिए मजबूर है, सड़कों पर लिखने का इंसाफ नहीं मिला। ये बताएं आपकी पार्टी के भी तो पोलिंग एजेंट होंगे अंदर, उनका पर दबाव बढ़ा रखा है, दबाव बढ़ाया। हम भी अंदर थे, कोई घोषणा इस तरह की 160 वाली कोई घोषणा तो हुई नहीं जीत वाली। घोषणा हुई है, घोषणा एजेंटों ने घोषणा की है कि हम 160 से जिताई है, हमारे ऊपर दबाव दे दिया गया है, दबाव दिया गया हमारे ऊपर। साइन करने से मना करती थी उस समय के, आप चुप क्यों थे? फोन आया, हम यहाँ पे नहीं थे, हम भाई साहब की कोठी पे थे सारे, जब हमारे को पता लगा एजेंटों फोन किसी भी माध्यम से, उसके बाद भी आप यहाँ आराम से बैठे हैं अगर इस तरह की जानकारी। हम इसलिए आराम से बैठे थे कि 160 से राकेश कंबोज को डिक्लेयर कर दिया गया था, हम शांति की अपील कर रहे थे। दो बार ये जो आना फाइनल कर चुके हैं, टीवी पर रिपोर्ट आ चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं राकेश कंबोज के समर्थक हैं जो सीधे तौर पर गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि तकरीबन 7000 वोटों से राम कुमार कश्यप जो है पूरी बढ़त बनाए हुए हैं, और जानकारी मिली है कि 4 मशीनों की जो है वोटिंग रह गई थी, काउंटिंग जो है रह गई थी, और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो राकेश कंबोज के जो समर्थक हैं वो किस तरह से यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि काउंटिंग दोबारा से होनी चाहिए, गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको आगे लेकर चलेंगे, ये जुड़े रहिए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। सवाल बड़ा गंभीर है, हालांकि बीजेपी पार्टी 40 सीटों पर जरूर सिमटती हुई नजर आ रही है, लेकिन जीत का जश्न जहां उम्मीदवार मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जीत का जश्न मनाने उनके कार्यकर्ता या नेता नहीं पहुंचे हैं। सवाल बड़ा गंभीर कि खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जहां पर तकरीबन 50,000 वोटों से जो है मुख्यमंत्री जीते हैं, लेकिन उनकी जीत का जश्न यहाँ पर नहीं मनाया जा रहा है, ये भी कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि हम आपको बताएं कि इंद्री से राम कुमार कश्यप के जितने भी समर्थक हैं जो बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार थे वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, घरोंडा से हरविंदर कल्याण जीते हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जो राम कुमार कश्यप हैं वो अब पहुंचे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें। इंद्री से राम कुमार कश्यप तकरीबन 7500 वोटों से जीते हैं और राम कुमार कश्यप भी जो है यहां पर पहुंच चुके हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। इंद्री विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र की जहां पर 7500 वोटों से राम कुमार कश्यप जीते हैं, राम कुमार कश्यप यहां पर पहुंच चुके हैं अपना सर्टिफिकेट लेने, वहीं लेकिन राकेश कंबोज के जितने भी समर्थक हैं जो आजाद उम्मीदवार थे, जो काफी अच्छी बढ़त जो है सूबे के बनाए हुए थे, उनके समर्थकों का कहना है सीधे तौर पर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। और दूसरी बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री करनाल से करीबन 50,000 वोटों से जीते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता कोई भी यहाँ पर जश्न मनाने नहीं पहुंचा, क्योंकि मुख्यमंत्री जरूर 50,000 वोटों से जीते हैं, लेकिन प्रदेश में बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बेशक बना जाए लेकिन हार जरूर उन्हें कहेंगे, क्योंकि सभी मंत्री, खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला बड़ी बुरी तरह से हारे हैं, सभी मंत्री जो बीजेपी पार्टी के थे, चाहे रामविलास शर्मा की बात की जाए, कैप्टन अभिमन्यु की बात की जाए, ओम प्रकाश धनखड़ की बात की जाए, कविता जैन की बात की जाए, सभी लोग जो हैं हारे हैं। तो जिस सीधे तौर पर इससे सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार मनोहर सरकार का जो मंत्रिमंडल था क्या वो इतना लायक नहीं था कि जनता ने उसको पसंद नहीं किया, क्यों सभी मंत्री हारे हैं, सवाल अपने आप में गंभीर है, पार्टी को गहन चिंतन करने का विषय जरूर है, पार्टी को गहन चिंतन जरूर करना चाहिए। अगर दोबारा से बीजेपी पार्टी अगर जोड़ तोड़ की राजनीति करके सत्ता में आती भी है, हरियाणा में भी अगर आती है, तो कहीं ना कहीं गहन चिंतन करना जरूरी है, ग्राउंड जीरो पर काम करना जरूरी है, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सही समाचार इस समय का ये है कि जहां जेजेपी पार्टी 11 सीटों पर है, 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी है, हो सकता है कि कांग्रेस और जेजेपी मिलकर भी जो है अपनी सरकार बना ले, लेकिन बहरहाल अभी ये कुछ कहना जल्दबाजी होगा, हो सकता है कि बीजेपी पार्टी भी आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति में सभी लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। जो इंद्री के प्रत्याशी हैं यहाँ पर राम कुमार कश्यप, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनाव 2019 अपने आप में काफ़ी दिलचस्प जरूर रहा। पहली बार ऐसा देखा गया कि सत्ता पार्टी जो अपने आप को 75 पार का नारा लगा रही थी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सभी मंत्री उस सरकार के हार गए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हार गए,
मुख्यमंत्री बेशक मनोहर लाल खट्टर 50,000 वोटों से जरूर जीते हैं, हालांकि सवाल बड़ा गंभीर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि करनाल में बीजेपी पार्टी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले इनेलो छोड़कर करनाल के कई व्यापारिक संगठनों से कई बड़े बड़े नेता जो है करनाल के भाजपा में शामिल हुए थे, तो उनके कारण भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा वोट बैंक जरूर आया। अगर वह लोग भी शामिल ना होते तो इस तरीके से इस अंदाज से कहीं ना कहीं जो पार्टी का वोट है मुख्यमंत्री का जो 1,00,000 का लक्ष्य रखा हुआ था शायद वो भी 25,000 से 30,000 में सिमट जाता। और सवाल अपने आप में ये भी बड़ा गंभीर है, खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला बुरी तरह से हारे हैं, उनके साथ के सभी मंत्री बुरी तरह से हारे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक ने पूरे मंत्रिमंडल को जो बीजेपी सरकार के मंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का कार्य किया उनको सिरे से नकार दिया। और दूसरी बड़ी बात कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जीत का जश्न यहां पर नहीं मनाया गया, हालांकि जो उम्मीदवार जीते हैं उनका जश्न जरूर मनाया गया। मुख्यमंत्री बेशक जीते हों लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी है जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हारती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर जरूर है, अभी तक राकेश कंबोज के जो समर्थक हैं वो अभी तक नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर जो है प्रशासन पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी के आरोप जरूर लगा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से 50,000 वोटों से जीतते हैं लेकिन जिला भाजपा का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया, सिर्फ 5 से 7 कार्यकर्ता सुबह से यहाँ पर घूमते हुए नजर आए। सवाल बड़े अपने आप में गंभीर बनते हैं कि आखिरकार तमाम बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं से पहले से ही अंदेशा था कि उनकी सीटें काफ़ी कम आ रही है और पार्टी प्रदेश में हारती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश सरकार के सभी मंत्री जो बड़े बड़े नाम थे बड़े बड़े चेहरे थे सभी के सभी हार जाते हैं, जो अपने आप में कई तरह के सवाल निशान खड़े करता है। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी जो है अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 50,000 वोटों से जरूर जीत जाते हैं क्योंकि जो विपक्ष के नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के सामने पहले चुनाव लड़ा एमएलए का फिर मेयर का चुनाव लड़ा वो भी अब बीजेपी में अपने पूरे दल बल के साथ आ गए थे, तो उसी कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि 50,000 वोटों से मुख्यमंत्री जरूर जीते जरूर हैं। हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा कम हो सकता था लेकिन 1,00,000 का लक्ष्य बीजेपी नेताओं ने रखा जरूर हुआ था लेकिन वह लक्ष्य भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता टच नहीं कर पाए। कमल मिड्डा करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। इंद्री से राम कुमार कश्यप के समर्थक इस गेट पर भी है दूसरे गेट पर भी है, ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। राम कुमार कश्यप जो इंद्री से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार थे 7,500 वोटों से लगभग जीते हुए हैं लेकिन अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ राकेश कंबोज जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके समर्थक गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, हमारा कैमरा करनाल के भाजपा पार्टी के स्थानीय नेताओं को भी ढूंढ रहा है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जीत के लिए यहां पर पहुंचना था लेकिन उनमें से कोई भी स्थानीय नेता कोई भी बड़ा समाजसेवी नहीं पहुंचा। 5,000 कार्यकर्ता मैं भी मनोहर को तख्ती लेकर घूम जरूर रहे थे लेकिन आखिरकार उनमें से कोई भी यहां नहीं पहुंचा। शाम के 5 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, सभी जीतने वाले उम्मीदवारों का हम जश्न कैच करने के लिए इतनी सुबह से यहाँ पर हम खड़े थे कि कम से कम जो कैंडिडेट जीते उसका जश्न जरूर हम कवर कर जाएं लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जश्न हम अपने कैमरे में कैद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी से उनके समर्थक करनाल में काउंटिंग होने के बावजूद उनके स्थानीय नेता यहाँ पर नदारद हैं, यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। हालांकि जनक पोपली जी इस गेट पर भी हैं उस गेट पर भी हैं। जनक पोपली जी आप इस गेट पर भी नजर आए हमें उस गेट पर भी नजर आए लेकिन हमारा कैमरा करनाल के भाजपा नेताओं को भी ढूंढ रहा है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की जीत पर आने थे वो क्यों नहीं आ पाए। देखिए मेरे पास जिम्मेवारी थी प्रभारी की तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है, जो भाजपा के नेता है उनकी मनोहर लाल जी की करनाल ड्यूटी। मैं यहाँ जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ इंद्री विधानसभा के प्रभारी होने के नाते खड़ा हूँ। सीट तो आप जिता कर लेकर आए, आपको शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मीठा जी आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारी जीत हुई है तमाम इंद्री विधानसभा के कार्यकर्ताओं की जीत है, उनकी मेहनत का रंग लेके आया ये जो हम इतनी बड़ी जीत लेकर आए हैं। राकेश कंबोज के जो समर्थक हैं वो अभी
कि अभी कुछ ही देर पहले 150 का गैप था दोनों के बीच में, 150 वोटों का गैप था, अचानक 7,500 हो गया, तो वो गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा कोई भी आरोप नहीं है, सारी की सारी डिटेल फोन पे आ रही थी, उनके कुछ लोगों ने गलत मैसेज डालने शुरू किए, उन्हीं के लोगों ने अपने आप को जितवा लिया, उन्हीं के लोगों ने अपने आप हरा लिया। ये लोकतंत्र है, ऐसे आप हारने के बाद अगर किसी पे आरोप लगाते हो तो ये गलत बात है। अगर आपकी हार हुई है, सारा प्रशासन है, सारा मीडिया है, उनके सामने आप हारे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा आरोप बिल्कुल नहीं। अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए उनको, उनकी हार हुई है ये। सरकार अब आप किसके साथ मिलकर बनाएंगे, जेजेपी की चाबी लेंगे या आजाद उम्मीदवारों के साथ? देखिए, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का काम है ये काम देखना। हमारा काम था ये सीट जीत के देनी कार्यकर्ताओं को, ये हमने जीत के दे दी। हमारी सरकार बनने जा रही है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। आप देख सकते हैं राम कुमार कश्यप के समर्थन यहाँ पर पहुंचे हैं, भाजपा के एक और नेता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीत हुई है राम कुमार कश्यप, इंद्री से जीते हैं, ये प्रजातंत्र की जीत हुई है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, और इसका अपार खुशी है। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो ये तस्वीरें समय आपने देखी, इंद्री से राम कुमार कश्यप तकरीबन 7,500 वोटों से आगे चल रहे हैं, लगभग जीते हुए हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज सभी जीतने वाले उम्मीदवारों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता है, राम कुमार कश्यप को करनाल ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं। और दूसरी करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी के उम्मीदवार है, 50,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, उनको भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि करनाल से वह दूसरी बार MLA चुने गए हैं। तीसरे गरोंडा से हरविंदर कल्याण, जो 17,000 करीब वोटों से जीते हैं, उनको भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की पूरी टीम जो है उनको अपनी शुभकामनाएं देती है। असन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी जीते हैं, उनको भी हम एक बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। पांचवा हम आपको बताना चाहेंगे, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, नीलोखेड़ी की बताना चाहूंगा। नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, जो आजाद उम्मीदवार थे, 2200 वोटों से जीते हैं। भगवान दास कबीरपंथी, जो नीलोखेड़ी से विधायक भी थे, उनको उन्होंने हराया और 2200 वोटों से धर्मपाल गोंदर जीते हैं, तो उनको भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम अंत में सभी पांचों उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देती है। और अंत में हम उन उम्मीदवारों के लिए भी कहना चाहेंगे, जीत हार जिंदगी का हिस्सा जरूर है, समाज में रहिए, आपसी भाईचारा खराब ना कीजिएगा, चुनाव तो आने जाने हैं, जीत तो जिंदगी हार का एक हिस्सा है, आपसी भाईचारा सभी से है हमारी गुंजाइश है, आपसी भाईचारा बिल्कुल भी खराब ना कीजिएगा। हमने गांव में रहना है, हमने शहर में रहना है, हमने हलकों में रहना है, रोजाना हमने हर किसी के सुख दुख में शामिल होना है, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि आपसी भाईचारा बिल्कुल भी खराब ना कीजिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।